आज मैं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के गंभीर मुद्दे पर आपसे कुछ बातें रखना चाहता हूं। अभी मैं चौबट्टा खाल विधानसभा के अंतर्गत जो जनशक्ति मार्ग बनाया गया था चौंदकोट क्षेत्र में, जिसे लोगों ने अपने श्रम से बनाया था, उसके निकट मौजूद हूं। और आप मेरे जो पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे सोलर प्लांट लगे हुए हैं। बहुत बड़े इलाके में ये सोलर प्लांट लगे हुए हैं, नीचे की तरफ भी लगे हुए हैं। और अगर आप ऊपर मेरे बाएं तरफ देखेंगे तो यहाँ पीछे भी आपको दिखाई देगा कि पूरा जो ये इलाका है, पूरा जो ये मैं कहूँगा कुछ इसमें नाभ भूमि भी रही है और कुछ इसमें राजस्व भूमि है, कैसरीन भूमि है और संभवतः कहीं पे वन भूमि भी हो सकती है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस इलाके में स्थानीय लोगों की जो जमीन है, क्योंकि स्थानीय लोगों के लिए यहाँ पे रोजगार नहीं है, तो यहाँ पे बाहर से भूमाफिया आ रहे हैं और ग्रामीणों को कुछ पैसे का लालच देकर उनकी नाभ भूमि को खरीद ले रहे हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, यहाँ पे सोलर प्लांट तो लगाए गए हैं लेकिन ये लोग आसपास की जो जमीन है, जो उनकी नाभ भूमि है, उस पर कब्जा कर लेते हैं, जो राजस्व भूमि है उस पर कब्जा कर लेते हैं और संभवतः कहीं कहीं वन भूमि पर भी कब्जा करते हैं। सरकार का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों से लगातार लोग पलायन कर रहे हैं। जो इन जमीनों के मालिक हैं वो दिल्ली में, देहरादून में, बंबई में कोई रोजगार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं थी तो पलायन कर गए हैं। तो यहाँ पर इस भूमि पर कब्जा करना बहुत आसान है। स्थानीय लोग यहाँ पे लगातार आवाजें भी उठाते हैं, जब उनकी जमीन बिक जाती है उसके बाद वो आवाजें उठाते हैं लेकिन प्रशासन उनकी बात को नहीं सुनता। तो मेरा सभी अपने उत्तराखंड के भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से, माताओं से अनुरोध है कि ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। और जो हम भू कानून की बात करते हैं, भू कानून की बात इसीलिए होती है कि जो हमारी जमीन है, जो हमारे जंगल हैं, जो हमारा पानी है, इस पे पहला अधिकार हमारा है। तो कहीं भी इस तरह की कोई समस्या हो कि स्थानीय लोगों की जो जमीन है उस पे बाहरी लोग कब्जा कर रहे हों, अवैध निर्माण कर रहे हों, इस तरह के सोलर प्लांट लगा रहे हों अवैध तरीके से, जायज तरीके से लगाते हैं, लीगली लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इलीगली अगर कोई काम हो रहा हो तो वो जागो उत्तराखंड के संज्ञान में लाएं। हम आपको मीडिया कवरेज भी देंगे, हम आपको विधिक सलाह भी देंगे और अगर इस मामले को आगे लड़ना पड़े हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में तो हम लड़ेंगे। मैं खुद एक अधिवक्ता भी हूं और मैं स्वयं आपकी पैरवी करूंगा। अभी आज इस मामले को मैं, अभी आप देख रहा है कि मैंने अपनी शुरुआत कर दी है इस मामले को। आज मेरे पास एक ऐसा ही मामला आया है जिसकी पूरी रिपोर्ट कुछ देर बाद मैं बनाऊंगा और आपके समक्ष रखूंगा। और ये रिपोर्टें मैं इसलिए बना रहा हूं कि आप लोग इस गंभीर मुद्दे का संज्ञान लें, क्योंकि हम उत्तराखंड के लोगों का इस जमीन पर अधिकार है, बाहरी लोगों का इस पर अधिकार नहीं है, इसीलिए राज्य बनाया गया। अगर हमारे इन हितों पर कोई कब्जा कर लेता है तो इसके लिए हर उत्तराखंडी को जागरूक होना पड़ेगा। आप लोगों ने तो अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर जाना ही है, जब इससे आ रहा ही नहीं तो पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। वाले चुपके चुपके लॉकडाउन में सारा काम हुआ, बॉडी बैठ बैठ के सब कुछ, मतलब ये सारा काम लॉकडाउन में हुआ। अब जो भोले भाले लोग हैं, लॉकडाउन ये हुआ ना 20 में, हां 20 में, 20 में चल रहा है, 20 में बिकी सारी जमीन 20 से, मतलब 20 से पहले अब इसमें, अब इनको बोल दिया नहीं जी तुम्हारी तो 50 नाली जमीन निकल रही है, ठीक है।
लेकिन उसने ये नहीं बताया कि सैंड में तो हमारी 10 नाली निकल रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भूमाफिया द्वारा सोलर प्लांट लगाने के नाम पे किस तरह से ग्रामीणों की भूमि को हड़पा जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, इस मामले को लेकर मैं पहुंच गया हूं सतपुली के पास रौतेला सैंड में। ये जगह पौड़ी जनपद की जो पौड़ी विधानसभा है, पौड़ी तहसील है, उसके अंतर्गत ये जगह आती है। और पौड़ी जनपद का जो प्रशासन है, जो राजस्व प्रशासन है, जो SDM पौड़ी है, जो पौड़ी तहसील है, उन लोगों की मिली भगत से इस तरह का ये बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ पे हुआ है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फर्जीवाड़ा है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे उस दौरान 2020 में हुआ। उस दौरान पौड़ी में जो जिलाधिकारी थे वो धीरज गर्ब्याल थे, जो उनके बड़े करीबी थे। और ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक संरक्षण भूमाफियाओं को रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व जो भूमि है, सैकड़ों नाली जो भूमि है, करीब 700-800 नाली से ज़्यादा जो भूमि है, उस पे बाहरी लोगों ने यहाँ पे सोलर प्लांट लगाने के नाम पे कब्जा कर लिया है। हालांकि अब जो मैं पत्रावली मैंने देखी थी उसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो ये लोग हैं जो यहाँ पर सोलर प्लांट लगा रहे हैं, उनसे सरकार ये भूमि खरीदेगी या छुड़वाएगी और उसके बाद वो खाते में सरकार के दर्ज हो जाएगी। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि ये भूमि सरकार के खाते में दर्ज हो जाए, क्योंकि जब इस भूमि को यहाँ से बेचा गया उसमें बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। जो स्थानीय लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के हमारे भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करके इस भूमि का बैनामा करवाया गया, रजिस्ट्री करवाई गई। जिस तरह से आप लोग समझते होंगे कि जब रजिस्ट्री होती है और उसके बाद जब म्यूटेशन होता है, दाखिल खारिज होता है, उसमें इश्तेहार निकलता है, कोई भी इश्तेहार इन भाइयों के पास, इन बहनों के पास नहीं पहुंचा। और फर्जीवाड़ा करके जिसमें पटवारी से लेके मैं समझता हूं कानून गो, तहसीलदार और SDM तक की जो चेन है, और संभवतः जिलाधिकारी भी इसमें संलिप्त हो सकते हैं, ये तो जांच का विषय है। धीरज गर्ब्याल उस समय जिलाधिकारी थे। और ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि गर्ब्याल बंधु भी यहाँ सोलर प्लांट जो बन रहे हैं उनके नाम पर जो जमीन खरीद की गई है उसमें गर्ब्याल लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। और उस समय जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल थे, उनकी जो जाति है गर्ब्याल, उस जाति के लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो जमीन बिकी है। तो निश्चित रूप से इसमें फर्जीवाड़ा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं इसमें जिला प्रशासन पौड़ी और जो उस समय राजनीतिक संरक्षण रहा होगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे और उनका गांव बहुत ही नज़दीक यहाँ पे है, नदी पार आप जाएंगे तो उनका गांव है यहीं पे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा घोटाला है। और मैं चेताना चाहूँगा उत्तराखंड में आने वाली जो 10 तारीख को मतगणना के बाद जो नई सरकार आएगी, उसे चेताना चाहूँगा कि जो आप राजनीति करना चाहते हैं उत्तराखंड के पहाड़ी अंचलों की, जो राजनीति करना चाहते हैं, वो अगर आप कल MLA का चुनाव कोई भाजपा का, कोई कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से लड़ना चाहता है तो ये सोच ले कि यहाँ पर तो वोटर रह ही नहीं जाएंगे, पहाड़ के लोग यहाँ नहीं रह जाएंगे, यहाँ पर भूमाफिया रह जाएगा जो कि उत्तराखंड का नहीं है मूल रूप से, और तब आप यहाँ से विधायक भी नहीं बन पाएंगे। तो मेरा ये सभी लोगों से, उत्तराखंड के सभी लोगों से और जो उत्तराखंड की राजनीति करते हैं, पहाड़ी अंचलों की राजनीति कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि आप राजनीति तब कर पाएंगे जब इतने गंभीर विषय पर आप लोग भी मुखर होंगे। और मैं चाहूँगा कि कल जो यहाँ से विधायक बन के, पौड़ी विधानसभा से विधायक बन के जाएगा विधानसभा, वो विधायक हमारा इस बात को विधानसभा में रखे, मुख्यमंत्री के सामने रखे और ये जो हमारे गरीब अनुसूचित जाति के भाई हैं, बहनें हैं, इनकी भूमि को छुड़वाए। अब मैं सीधा इन लोगों से लाइव बातचीत कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमारे उत्तराखंड की मूल के जो भी लोग हैं जो इस समस्या को समझ रहे हैं, वो इसको शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि ये जो बड़ा मामला है जिसे अभी तक दबाया गया है 2 सालों से, मुझे लगता है कि किन्हीं कारणों से क्यों ये मीडिया में नहीं आया, मेरे संज्ञान में नहीं आया, अगर ये पहले आ जाता तो मैं निश्चित रूप से यहाँ पे पहुँचता। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे उत्तराखंड के भाई हैं वो इसे शेयर करें, लाइक करें और लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ, जिससे कि ये उत्तराखंड के जो भी नुमाइंदे हैं,
जो भी विधायक बनने वाले लोग हैं उन तक ये बात पहुंचे और वो इस मुद्दे को उत्तराखंड की विधानसभा में भी उठाए, क्योंकि ये मुद्दा केवल पौड़ी जनपद की इस विधानसभा का ही नहीं है, ऐसा ही हर विधानसभा में, हर पहाड़ी इलाके में इस तरह से भूमाफिया का कब्जा हो रहा है। वो इस वजह से हो रहा है कि यहाँ के जो मूल निवासी है उनके लिए रोजगार नहीं है और बाहरी लोग आके यहाँ पर जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं और लोगों का जो हित है उस पर भी कब्जा कर रहे हैं, जो कि हमारी उत्तराखंड की जो बनने की जो मूल भावना है उसके ही खिलाफ है। तो आइए मैं सबसे पहले बातचीत करता हूं यहां पे मेरी दाईं तरफ जो बुजुर्ग सज्जन हैं, उनसे जानना चाहता हूं कि कब से चल रहा है फर्जीवाड़ा और डिटेल में बताओ आप, इत्मीनान से और पूरे विश्वास के साथ आप बताओ, कोई भी दबाव अपने ऊपर आप महसूस मत कीजिए और खुल के बताइए कि कब से ये चल रहा है, कौन लोग शामिल हैं। ये 2019 से चल रहा है यहाँ पे। 2019 में जगदम्बा प्रसाद ने 50 नाली जमीन राजेश कुमार सिंह नेगी को बेची है और वो भी उसने गलत जगह दर्शाया है, जबकि उसने सिलड़ी तोक में बेच रखा है लेकिन उसने बांसु तोक में मतलब कब्जा करवा रखा है। अच्छा, फिर 2019 के बाद 2020 में ये सौर ऊर्जा वाले विनय गोयल, अनिता अग्रवाल आदि, इन्होंने यहाँ पे पूरा मतलब जिन लोगों को बैला फुसला कि मतलब इन्होंने कुछ जमीन खरीद ली और उस पर कब्जा किया और उसके बाद मतलब पूरे रौदला सैंड में पूरा कब्जा कर दिया इन्होंने। जिन्होंने जमीन बेची भी नहीं है उनके खेतों में भी कब्जा हो गया है और जिन्होंने बेचे है उनका तो होना ही था है, और उन लोगों ने भी अपने हिस्से की जमीन मतलब अगर चार भाई हैं तो चार भाइयों में से अगर एक ने बेची है तो उसने उन तीनों की भी बेच दी है, तीनों की जमीन भी बेच दी है। और हम तब से मतलब इनको मना करें कि पैमास के लिए हम मतलब 2019 से लगा हूँ मैं कि पैमास करा पैमास, लेकिन पैमास के लिए मैंने पौड़ी तहसील में SDM के पास, DM साहब के पास भी मतलब एप्लीकेशन लगा रखी है पैमास करने, लेकिन पैमास के लिए कोई राजी नहीं हो रहा है ना। पौड़ी में पैसे जमा करने भी गया लेकिन उन्होंने मतलब पैमास के लिए बिल्कुल हाँ ना कुछ नहीं बोल रहे और जबरदस्ती कब्जा हो रहा है। अगर हम अपने खेत में खड़े हो गए अगर रोक रहे हैं तो उल्टी धमकी दे रहे हैं हमें कि साहब तुम्हारा नहीं है, ये फलाने का है, ये हमने खरीद रखा है, हैं तो हम क्या करें फिर। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो कानून बनाया गया है अनुसूचित जाति की जो भूमि होती है वो बिना जिलाधिकारी की अनुमति के उसको बेचा नहीं जा सकता, ये देखा जाता है कि उसके पास सफिशिएंट भूमि होगी तभी वो बेच पाएगा, तो बिना जिलाधिकारी के सहमति के ये नहीं हो सकता। लेकिन इस मामले में देखने में आ रहा है कि जिलाधिकारी की अनुमति इसमें कहाँ ली गई है, इसमें ऐसी कोई अनुमति नहीं दिखाई देती। और जब इन जमीनों का बैमाना हुआ है, इनको रजिस्ट्री हुई है, तो उसमें जो है जो रजिस्ट्री की गई है, जब उसके बाद दाखिल खारिज चलता है उसमें जो इश्तेहार निकलता है, जो भी हिस्सेदार उस जमीन के होते हैं उन तक वो इश्तेहार नहीं दिया गया है, जानबूझ के नहीं दिया गया है, पटवारी द्वारा नहीं दिया गया है, जिससे कि वो लोग उस पर अपना NOC जारी न कर सकें और दाखिल खारिज न चले। तो ये बड़ा फर्जीवाड़ा, आप कुछ और भी कह रहे थे। हाँ तो ऐसा ही है ना कि मतलब उन्होंने मतलब किसी का खेत, एक खेत है उसमें अगर मतलब 10 हिस्सेदार हैं तो वो एक आदमी या दो आदमियों के नाम पे पूरा खेत बेच दिया तो और हिस्सेदार कहाँ जाएंगे, उनके लिए कुछ वो नहीं है जी। बिल्कुल मैं समझ गया, और कुछ कहना चाह रहे हैं आप, और कुछ बोलेंगे? और क्या बोला है, और लोगों से बातचीत कर लेता हूँ। और एक बिंदु पर थोड़ा सा और प्रकाश डालना हूँ यहाँ पे कि जो यहाँ पे भूमि थी वो दो किस्म की भूमि थी, एक तो सिंचित भूमि थी जो आप देख रहे हैं कि ये प्लेन भूमि है, और एक ऊपर की तरफ आप पहाड़ी भूमि देख रहे होंगे जो असिंचित है जिसमें खेती नहीं हो सकती। तो जो सिंचित भूमि थी जिसके, जैसे आप समझिए कि अगर चार भाई थे तो सिंचित भूमि पर भी सबका बराबर अधिकार था, तो जिस भाई से वो भूमि क्रय की गई वो सारे का सारा जो दूसरे भाइयों का हिस्सा था उसको भी इन्होंने भूमाफियाओं ने यहाँ पे खरीद लिया है। और इसमें जो है जो पौड़ी का जो ये पौड़ी तहसील का जो राजस्व प्रशासन है, जो पटवारी रहे होंगे, जो तहसीलदार रहे होंगे, SDM तक की जो चेन है वो कहीं ना कहीं इसमें फर्जीवाड़ा, उनकी जो बदनीयति है वो साफ तौर पर दिखाई देती है। तो मैं अन्य लोगों से भी बातचीत कर लेता हूँ। भाई साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलेंगे? मैं तो यही, मैं यहाँ रौंतला निवासी हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे सैंड में ये अनिता अग्रवाल और
विनय गोयल ने पूरा सैंड को कब्जा कर रखा है और ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। और हम कितनी बारी हमने प्रशासन से बात करके चिट्ठियां भेज के कई हमने लेटर भेजे लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। और बल्कि SDM साहब को हमने चिट्ठी भेजी, उन्होंने हमारे को यहाँ चिट्ठी भेज दी कि आपके सैंड में कोई भी काम नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे सैंड में लगातार काम हो रहा है। और गाँव वालों के कहने पर कि काम को रुकवाने के लिए काम रुकवा रहे हैं लेकिन गाँव वालों को भगा दे रहे हैं, गाँव वालों को मारने को आ रहे हैं और हमारे सैंड में पूरा कब्जा कर दिया उन्होंने। जी आप अगर देखना चाहेंगे तो अभी भी यहाँ पे नीचे आपको वर्कर दिखाई देंगे, अगर आप नीचे देखेंगे कि जो आप बात कह रहे हैं उसकी पुष्टि हो जाती है कि आप यहाँ पे पोकलैंड मशीन, यहाँ पे लेबर, तमाम किस्म के लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार काम चल रहा है। यहाँ पे घेरबाड़ हो चुकी है, जो सोलर पैनल लगते हैं वो लग चुके हैं, JCB उधर चल रहा है, तमाम तरीके से यहाँ पे जो भी निर्माण का काम है या इंस्टॉलेशन का काम है वो चल रहा है। तो ये बात प्रशासन की एकदम फर्जी है कि यहाँ पे कोई काम नहीं किया जा रहा है। और इसमें खास बात ये भी है कि अब जो प्रशासन की भूमिका है वो ये है कि अब अगर मुकदमा कायम किया जाता है और इस भूमि को ये बात हो रही है कि इसको सरकार के खाते में दिया जाएगा, तो सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार ने तो जो ये कानून बनाया था अनुसूचित जाति के भाइयों के लिए प्रोटेक्शन के लिए उस भूमि का, उसका भी ये साफ तौर पर मजाक है कि उनकी जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा के पौड़ी का जो प्रशासन है, पौड़ी के जो तहसील के कर्मचारी हैं या जो भी SDM है या DM है, उन लोगों की मदद से अब इस भूमि को सरकार के खाते में कर दिया जाएगा। लेकिन इसका भी हम लोग कोर्ट में चैलेंज करेंगे, मैंने ग्रामीणों से बात की है और हम इस जो ये फर्जीवाड़ा है इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि पौड़ी का जो प्रशासन है उसने मिलीभगत करके इस भूमि को जो है अनुसूचित जाति के हमारे भाइयों की जो भूमि है उसे गैर कानूनी तरीके से, ये जो भारी लोग हैं जिनका नाम लिया जा रहा था अनीता और क्या नाम विनय गोयल जो बताया जा रहा है, राजेंद्र नेगी तो खैर यहाँ के होंगे लेकिन ये भारी जो नाम है, हाँ जहाँ के भी हैं, लेकिन ये फर्जीवाड़ा साफ तौर पे है। मैं चाहूंगा कि कुछ लोग और भी मुझसे बातचीत करें, सब लोग अपनी बात रखें, मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप इस बात को शेयर करें क्योंकि ये किसी भी उत्तराखंडी हमारे पहाड़ के भाई के साथ हो सकता है, बहन के साथ हो सकता है, क्योंकि आप दिल्ली में हैं, देहरादून में हैं, बम्बई में हैं, विदेशों में हैं और यहाँ इस तरह का फर्जीवाड़ा आपकी जमीनों पर हो रहा है। आप बताएं भाई साहब, कुछ बिंदुओं पर तो प्रकाश पड़ गया है, जो बातें नहीं कही गई हैं उन पर बताइए आप। हमारा सर, हम एक किस्म से गरीब परिवार से ही है, नीचे बच्चे ऊँचे के लिए नौकरी तो करनी पड़ती है, तो बाद में पता लगा ये खेत मेरा, वहाँ दिखाएं साहब आप, ये खेत मेरा वहाँ से और वहाँ तक है, ये दीवार आ रही है, ये दीवार आ रही है जी, मैं दिखाना चाहूँगा, ये आप जो खेत देख रहे हैं, मैं कैमरा मैन को कहूँगा कि इस खेत को दिखाएं। हाँ भाई साहब बताएं। इसमें सर 34 पेड़ काटे हैं जी, जी 34 पेड़ काट दिए, हल्दू के पेड़ हैं सारे, आप देख रहे हैं ये किसने काटे, ये विनय गोयल ने कटवाए हैं। अच्छा, और तो इसकी शिकायत की होगी फिर आपने? शिकायत मैंने DM तक मैं डायरेक्ट मिल के आया। और DM कौन थे DM उस समय? DM साहब मुझे इतना पता नहीं है, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा। उसके बाद मैंने 1905 में कंप्लेंट करी, उसके बाद क्या हुआ कि इनको वन विभाग वाले आए, ये सारे जो है उस समय जंगल था, इसको करके इनको पेड़ गिनवाए, सब कुछ हुआ, इनको 6 लाख रुपए जुर्माना हुआ, 31 जनवरी को लास्ट डेट थी, हाँ 6 लाख रुपए। और यही अभी 2021 और मेरे को साहब 1 रुपया नहीं मिला इसका, और 6 लाख रुपए वहाँ भरवा दिए वन विभाग में, जबकि ये मेरे माँ बाप ने ये पेड़ लगा रखे थे, बच्चे के बराबर पाल रखे थे, आप पेड़ देख सकते हैं कैसे कैसे हैं, ऐसे ही थे ये जो कटे हुए सारे। तो ये बात बता रहे हैं कि ये इनका जो है नाप खेत है, इसमें तमाम किस्म के यहाँ पे पेड़ थे जिसमें हल्दू के हैं और तमाम किस्म के अन्य पेड़ भी थे, उनको गैर कानूनी तरीके से जो यहाँ पे गोयल बंधु हैं, अनीता गोयल और क्या नाम बता रहे हैं, उनका नाम विजय गोयल जो है, विनय गोयल अनीता अग्रवाल ये नाम बता रहे हैं, विनय गोयल और अनीता अग्रवाल, इन लोगों ने, इनका आरोप है कि इन लोगों ने यहाँ पे इनके पेड़ भी कटवा दिए, और जब इसकी शिकायत की गई तो कोई जुर्माना जमा हुआ तो वो सरकार के खाते में जमा हो गया और इनको कुछ भी इसमें से मुआवजा नहीं मिला। तो एक बात ये भी है, और कोई बात आप लोग रखना चाह रहे हैं? आप भी कुछ कह रहे थे कि मेरे खेत में कुछ हो गया है, तो क्या भैया आपका खेत में? हमारे खेत में ये प्लान लगा रहे थे, मैंने कहा उनका प्लान काट दिया, तो मेरे को कह रहे हैं हम तो रेस्ट कर देंगे। पर देखिए साहब, हम हैं गरीब आदमी और पहाड़ के रहने वाले, हमें 85 साल का हो गया हूँ, बच्चे हमारे परदेश में हैं, अब मैं अकेला खेती कर नहीं सकता,
और खेती इसलिए बंजर पड़ी है। पर अब जब कोई भी सुविधा हुई, हमारे यहाँ रोड आई है और बिजली आई है, तो अब हमारे बच्चे आएंगे, इस खेतों को आबाद करेंगे। और ये जब अनिता गोयल और अग्रवाल ले लेगा या प्लान लगा देगा, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी भूमि का छुड़ा जाए। धन्यवाद जी। जी आप भी बोलिए। जी भाई सर, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर, हम अपने खेत की ढूंढ कर रहे हैं यहाँ पर, और जैसे हम इधर उधर चौकीदारी कर रहे हैं कि मतलब हमारे खेत में खंभे न गाड़े जाएं, तो यहाँ पर आके बोल रहे हैं कि मतलब इनके अधिकारी जो भी हैं कर्मचारी लोग, कि ये सब मतलब गोल खाते में चले गए। मेरी यहाँ पर 18 नाली जमीन है सिंचित, और एक नाली हम नहीं बता रहे हैं मेरी। इसका क्या आपके भाइयों ने बेच दिया क्या? ना, भाइयों ने नहीं बेचे सर, मेरे हिस्से से कुछ नहीं बिक रखा। अब 5 भाई हैं। आपके खाते में कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है, जीरो जीरो बता रहे, वो जीरो बता रहे हैं यहाँ पर। अच्छा। जबकि खेत हमारे यहाँ पर है। सिंचित भूमि थी आपकी? सिंचित भूमि है जी, 18 नाली जमीन है हमारी सिंचित में, है ना, बाकी तो बहुत ज्यादा है, 190 नाली जमीन। आपने देखा कि इनका मुद्दा ये है कि इनने ना तो जमीन बेची ही नहीं, उसके बावजूद इनको बताया जा रहा है कि आपके खाते में कोई जमीन नहीं है, गोल खाते में बताया गया। तो गोल खाता मैं आपको समझाऊं, जो कि गोल खाता नहीं समझते हैं उनको मैं बता दूं कि गोल खाता क्या होता है। गोल खाता वो खाता होता है जिसमें कॉमन रूप से सभी की जमीन जो है उसमें होती है, और उसमें जिसका जितना हिस्सा है उसकी अलग से कलमी बंटवारा बाद में किया जाता है। इस भूमि का कोई कलमी बंटवारा नहीं था, और गोल खाते में ये सबके नाम पे थी, ये समझिए कि ज्वाइंट अकाउंट एक तरह से था। और उस ज्वाइंट अकाउंट में एक हिस्सेदार ने दूसरे के हिस्से की भी जो अच्छी भूमि थी वो बेच दी, और जो असिंचित भूमि है वो छूट गई है। कईयों के नाम पे यहाँ पे भूमि ही नहीं दिखाई नहीं दे रही है खातों में। तो ये सारा बड़ा फर्जीवाड़ा है, और मुझे लगता है कि अभी तक इसमें जो पैरवी है, कानूनी तौर पे जो पैरवी है, मैं कहूँगा कि जो भी वो अधिवक्ता हों वो भी थोड़ा सा सीरियस हो जाए, क्योंकि इसमें हम लोग जागो उत्तराखंड ने वादा किया है इन ग्रामीणों से कि हम जो है इसमें अगर हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल करनी पड़े तो हम लोग करेंगे, और हम पीछे नहीं हटेंगे। बस इन लोगों से मेरा अनुरोध यह है कि जैसे आप जानते हैं कि कई बार मीडिया का उपयोग हो जाता है, हम लोगों का उपयोग हो जाए और कोई दूसरा सेटलमेंट यहाँ पे हो जाए वो दूसरी बात है, लेकिन हम हमेशा ईमानदारी के साथ इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे। और मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से उन भूमाफियाओं से या उन दलालों से भी अनुरोध करूंगा कि वो मेरे कार्यालय में आने का प्रयास न करें, वहां से उन्हें कोई भी सपोर्ट इस मामले में नहीं मिलेगा। कोई भी मेरा मित्र इस बारे में मुझसे कोई फोन न करे, मुझसे कोई पैरवी नहीं करे कि इनको बचाया जाए, मैं इन्हें नहीं बख्शने वाला। जितना मेरे को नॉलेज है और जितने मेरे लीगल मित्र हैं जो कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, शायद इनमें से कई लोग देख भी रहे हैं इस वीडियो को, सबका मुझे साथ चाहिए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इन लोगों ने जो ये गैर कानूनी कब्जा अनुसूचित जाति के भाइयों की सैकड़ों नाली में कर दिया है, हम लोग इस जमीन को वापस यहाँ से छुड़वा के इन भाइयों को दिला के छोड़ेंगे। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, मैं जगमोहन सिंह में बताना चाहूँगा कि इसमें 90% भूमि जो है अनुसूचित जाति वालों की है, इसमें पूरे पे कब्जा कर लिया गया। खाता नंबर 28 में हमारी 265 नाली जमीन से आधी जमीन हमारी है, मगर वो सारे जगदम्बा प्रसाद के नाम पे चढ़ चुकी है। हमारे यहाँ पे कोई जमीन नहीं दिखा रहे हैं और लगातार कब्जा करे जा रहे हैं। जब हम शुरू में पटवारी से हमने बोला था तो उन्होंने कहा कि आप मुझे गारंटी दो कि आप 2 महीने में 4 महीने खेती करके दिखा दो तो मैं यहाँ पे कब्जा रोक दूँगा, नहीं तो मैं नहीं रोकता। उन्होंने ग्रामीणों को धमकाया कि जिसने बेचा है अपने हिस्से के बेचे, तुम कौन होते बोलने वाले, जिससे कि हम जो है लगातार रोज आते रहे, धक्के खाते रहे, लेकिन हमारे प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे प्रशासन से अभी यह आएगा कि हमारी सुने और हमारी सुनवाई करें, क्योंकि सरकार आपको बनानी है। इस बीजेपी का जो नारा था ना कि सबका साथ सबका विकास, मुझे लगता है कि उन्होंने गलत बोल दिया, उनको ये बोलना चाहिए सबका साथ अपना विकास कर लिया। उन्होंने ये कहा कि एक साथ सबका विनाश हम करेंगे, उत्तराखंड खत्म करेंगे, ये बीजेपी का नारा है और यही इन्होंने किया भी है। चलिए अब जो जिसकी भी सरकार यहाँ उत्तराखंड में आएगी, चाहे वो भाजपा की आए चाहे कांग्रेस की आए, उसके जो मुख्यमंत्री है, मैं स्वयं उनके पास इस मामले को लेके जाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि इस मामले में न्याय हो, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला तो इस इलाके में मैंने पहले कभी नहीं देखा। मेदगड़ी यखम कुछ मातृशक्ति बीच आप कुछ बुनचना क्या भे आप दगड़ी हमारे दगड़ी नुआई की एक भाई बिकाई और तीन भाई था उन बेच दिया तो वो हमारे जमीन भी बेच दिया हर का एक नाम पर बेच दिया वो हमारे जमीन चार पूड़ा चामर का एक नाम पर बेच दी कुछ जगदमर नाम पर बेची कोई बर्तन नाम पर बिकी।
आप लोग अनुसूचित जाति का छा? हाँ, सभी लोग हाँ। तो ये सब लोग दगड़ी हुए? हाँ, सब दगड़ी हुई। कद का परिवार छा नीन? हम चार परिवार छो, चार भाई छे। टोटल गांव में कद का लोग होला? अब गांव में तो भी पता, कम से कम 70। हाँ, 70 के करीब जिन्होंने। बेचने वाले कितने लोग हैं? बेचने वाले तो 24-25, हाँ 26 आदमी है खाली। और कोई सज्जन कुछ बोलना चाह रहे हो तो आप कुछ बोलेंगे भाई साहब? मैं गजय सिंह में भी जो यही गाँव का छोर हूँ तेला के, लेकिन इतना फर्जीवाड़ा होना चाहे। कोई और बोलना चाह रहे हैं तो वो आ जाए, क्योंकि मैं इस लाइव ब्रॉडकास्ट को इसके बाद समापन कर रहा हूँ। इतना फर्जीवाड़ा चलू जी कि प्रशासन को ये पर ध्यान नहीं देना, क्या कि मेर भी जमीन ची हम भाइयों की चार भाइयों को या चार नाली थी, लेकिन एक भाई ने बेच दिया तो हम लोग हमारे जमीन खत्म हो गया। लेकिन अगर विनय गोयल या कोई मीणे बोलूँ तो तुम भी जमीन बेच दिया तो वह नहीं कर नाम पर जो जमीन बिछवा देना चाहते। ये तो जो आप बोलना चाह विनय गोयल और अनीता अग्रवाल कहा छन? ये कहा से पूरक छिन जो छो? तो अगर मैं बोलूँ यूँ तो यक कुल है, यूं तो यू पहले यक देख देवाल की बंजर जमीन से उन सड़क में देख देवाल की यहीं पर हाथ डालो, क्योंकि यक मिलिया थे लोग जो सब एक दूसरे से। तो इतका फर्जीवाड़ा चलना चाहे कि पटवारी से लेकर के डीएम तब सब जो थी एक साथ जो थी गुट बन हम देखता हम ईमानदारी से आपकी पैरवी कर ला, आपने न्याय दिलाना प्रयास रहा हमारो। और कुछ बुन चाहो कोई जी? हम जरा एक मिनट हम ये भी चाहता हुआ कि जो जगदम्बा प्रसाद हमारे गाँव के नीचे वो है गाँव कुड़गिया, लेकिन वो एक इतना जमीन सैण में कक बटाया गया, वो एक मतलब एक कम से कम 1100-1200 नाली वाली जमीन बेच जाए वाले कक बटे ब्याज ये वो एक सड़क गड़बड़ करी थे, और हमारे गाँव के लोगों की जमीन वो एक सब बेची मतलब और अपर दिखाएगा ये वो एक जमीन कक बटे भी। चलो ये जाँच ऑफिस एक ही कंप्लेंट भी आप दे दिया, हम ये दे दिया पर्सनली, तुम्हें देख लेते हैं। तो ये आपने देखा कि ये बहुत बड़ा एक घोटाला आप समझ सकते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व वाली जो भाजपा सरकार थी उसमें। और मेरे को तो बड़ी हैरानी है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का गांव यहां से चंद किलोमीटर दूर है, उनके कार्यकाल में इतना बड़ा घोटाला जिसमें कि अनुसूचित जाति के लोगों की सैकड़ों नाली जमीन जो है गलत तरीके से, और साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि जो पौड़ी का जो तहसील प्रशासन है या जिलाधिकारी रहे हों, मैं साफ तौर पे धीरज गर्ब्याल जी का भी नाम लेना चाहूँगा, वो जिलाधिकारी थे मुझे अच्छे तरीके से याद है, 2020 में वो वहाँ पे पौड़ी में जिलाधिकारी थे। उस दौरान इतना बड़ा ये भ्रष्टाचार पौड़ी जनपद की पौड़ी विधानसभा के इस इलाके में रौतेला सेण में हुआ है। मैं उत्तराखंड में आने वाली जो सरकार है उसके जो भी संभावित मुख्यमंत्री हैं, जो भी मुख्यमंत्री होंगे, उनके संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में शुरुआती दौर में ही इस पे जांच होनी चाहिए, और तत्काल जो भी इसमें संलिप्त रहे हों, चाहे वो जिलाधिकारी हों, चाहे वो SDM हों, चाहे वो नीचे के छोटे कर्मचारी हों, जो भी शामिल हों, सारे सस्पेंड होने चाहिए, जिससे एक नज़ीर पेश हो उत्तराखंड में कि जो शहीदों के सपनों का ये जो उत्तराखंड कई कुर्बानियों को देके बनाया गया है वो इस तरह से बेचने के लिए नहीं है। जागो उत्तराखंड इस मामले को लेकर न केवल मीडिया में पैरवी करेगा, कवरेज करेगा, बार बार उठाएगा इस मामले को, इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अधिवक्ता भी हूँ, हालांकि मैंने अधिवक्ता का जो हथियार है वो बहुत ज़्यादा नहीं उठाया है, मेरे अधिवक्ता मित्र इतने ज़्यादा हैं कि वो पैरवी कर लेते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भी अपना काला कोट निकाल सकता हूं, उसे पहन सकता हूं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने अन्य अधिवक्ता मित्रों के साथ इस मामले की पैरवी करके इन लोगों की जो ज़मीन है उसे वापस दिला सकता हूँ। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि ये जो लाइव ब्रॉडकास्ट था इसको आप मैक्सिमम जितना शेयर कर सकते हैं करिए, जितना लाइक कर सकते हैं करिए, जो भी आपके प्रशासनिक अधिकारी कहीं मित्र हों उनको इस वीडियो को भेजिए, उत्तराखंड के लोगों को देश विदेश में भेजिए, जिससे कि लोग जागें, जैसे कि जागो उत्तराखंड हमारा नाम है, देश विदेश में उत्तराखंड के अंदर और बाहर जितने उत्तराखंडी भाई बहन हैं वो जागें और ये जानें कि उनके जो पुरखों की जमीन थी वो अगर दिल्ली में है, वो अगर बम्बई में है या वो ब्रिटेन में है, कहीं उनकी ज़मीन पर कोई भूमाफिया कब्जा तो नहीं कर रहा है। धन्यवाद इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देखने के लिए। जागो उत्तराखंड के लिए रौतेला सैन पौड़ी विधानसभा जनपद पौड़ी से आशुतोष नेगी।
Thank you.